भारत की राजधानी दिल्ली, दिलवालों का शहर दिल्ली और यहाँ के लोगों की जान बसती है यहाँ की शानदार मेट्रो में। राजधानी दिल्ली में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने के लिए लोगों की पहली पसंद यहाँ की मेट्रो है दोस्तों। और DMRC भी अपने यात्रियों का अच्छा खासा ख्याल रखती है। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC नाम की एक निजी संस्था चलाती है। DMRC अपने यात्रियों के सहूलियत के लिए समय समय पर बदलाव करती रहती है दोस्तों। साथ ही दिल्ली मेट्रो समय के साथ और भी आधुनिक होती जा रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं आप यात्री कैसे दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए और बहुत ही आरामदायक सुकून से सफर कर सकते हैं। आप ट्रैफिक से बच सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों 25 दिसंबर 2002 को पहली बार रेड लाइन पर सैदरा से लेकर 30,000 तक के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ। लगभग 391 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यह मेट्रो, कुल 286 मेट्रो स्टेशन है। दिल्ली NCR में लगभग 10 लाइनों पर यह मेट्रो दौड़ती है दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में दुनिया में पहली बार किसी मेट्रो को, मेट्रो या रेल सिस्टम को ग्रीन मेट्रो का खिताब दिया था दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि दिल्ली मेट्रो में हर साल लगभग 7 करोड़ लोग से भी ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो कि यह सामान्यतः किसी देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये छोटा सा वीडियो और छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।